विरोध की आग बढ़ती जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। जनरल मनोज पांडे कह रहे हैं कि जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती की उम्र इस साल 23 साल कर दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिले। सरकार की तरफ से कल ही ये बड़ा फैसला ले लिया गया था, क्योंकि 2 साल से भर्ती हो नहीं रही थी कोरोना की वजह से, और इस साल छूट दी गई, ढील दी गई 2 साल की, 21 की बजाय 23 साल कर दी गई है उम्र सीमा अधिकतम। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, एक तरफ विरोध जो तेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख का बड़ा बयान, मतलब अग्निपथ योजना के तहत जल्दी ही सेना भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। थल सेना प्रमुख का बयान आया है, इसी पर आया है क्योंकि कल ही सरकार ने ये आदेश दिया था कि इस साल जो अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होगी उसमें 23 साल तक की अधिकतम उम्र होगी, क्योंकि जो मुख्य जो अग्निपथ योजना है उसमें 21 साल पहले बताया गया था, लेकिन क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, इसलिए थल सेना प्रमुख ने युवाओं को कहा है कि जो इस साल जो है 23 साल तक की उम्र जिनकी है वो इस अग्निपथ योजना में अप्लाई कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। ये बड़ा बयान जो है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का आया है। जो प्रक्रिया है जिस तरीके की रहती है वो वैसी ही रहेगी नीरज, या उसमें भी किसी तरीके की कोई तब्दीली होगी? देखिए रोमाना, जो अग्निपथ योजना है, जो बताया गया था कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल ही काम कर सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे सेना में, वो सब प्रक्रिया बिल्कुल ठीक वैसी ही है। सिर्फ उम्र बढ़ाई गई है, क्योंकि 2 साल से हुई नहीं थी भर्ती प्रक्रिया, इसलिए 23 साल इस साल के लिए बढ़ाई गई है। सिर्फ इस साल के लिए है, 2022 के लिए, कि 23 साल तक के युवा जो है अग्निपथ योजना में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस तमाम अपडेट के लिए। तो सेना प्रमुख की तरफ से जानकारी दी गई है, जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में आगजनी से कुछ हासिल नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तैयारी कीजिए, विरोध मत कीजिए। और इस सब के बीच बिहार के सासाराम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में सासाराम में युवाओं का गुस्सा फूटा है। सासाराम टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई है, सासाराम में बीजेपी कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑफिस चौराहे पर जाम की स्थिति बनी हुई है, युवा अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से। ये टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, टोल प्लाजा पर ये आगजनी, ये विरोध प्रदर्शन, ये तोड़फोड़। और सवाल इसीलिए बड़ा हो जाता है कि क्या इस आंदोलन के पीछे राजनीति है? सुनियोजित तरीके से जो सरकारी संपत्ति है उसको निशाने पर लिया जा रहा है, वहां आगजनी की जा रही है। देखिए जरा टोल प्लाजा पर किस तरीके का नुकसान पहुंचाया गया है, और ये देखिए सड़क पर उतरे हुए ये छात्र, इनको प्रदर्शनकारी कहा जाए या उपद्रवी कहा जाए, ये बड़ा सवाल। और इस सब के बीच आपको बताते हैं, बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन का जो अंदाज है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। पुशअप लगाते हुए ये छात्र, बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन का खमियाजा ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।